नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यूपी के जनपद कानपुर देहात में अकबरपुर रनिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रतिभा शुक्ला और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव जाकर वैक्सीनेशन कैंप लगवाकर और लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक कर लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगवाने का कार्य कर रहे हैं। दरअसल कोरोना के खिलाफ जारी पीएम मोदी और सीएम योगी की जंग और भारत से कोरोना को भगाने के लिए मंसूबों को सफल बनाने के लिए अकबरपुर रनिया की विधायक प्रतिभा शुक्ला अपने पति पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी के साथ मिलकर विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव जाकर वैक्सीनेशन कैंप लगवाने का काम युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। साथ ही लोगों को वैक्सीन की उपयोगिता के विषय में जागरूक भी कर रहे हैं। इसी के चलते आज अकबरपुर रनिया विधानसभा क्षेत्र के मुस्लिम बहुल्य गाँव 12 में वैक्सीनेशन का मेगा कैंप का आयोजन करवाया गया। विधायिका प्रतिभा शुक्ला ने पति अनिल शुक्ला वारसी और शहर काजी मौलाना सतार के साथ मिलकर ग्रामीणों से बात की और वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया। वहीं गांव की गलियों में घूमकर लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया। साथ ही इस मेगा कैंप में कृषि समाज कल्याण विभाग सहित कई विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण भी किया। विधायिका प्रतिभा शुक्ला की मेहनत ने वैक्सीनेशन अभियान को और भी तेज कर दिया है। साथ ही वैक्सीन को लेकर फैली भ्रांति को दूर करने में कारगर साबित हो रही है, जिसके चलते जहां एक दिन पहले गांव में लोग आते नहीं थे कोरोना की वैक्सीन लगवाने, वहीं आज करीब 200 से अधिक लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। वहीं विधायिका प्रतिभा शुक्ला और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी की बातों से प्रभावित होकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वैक्सीन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भारी संख्या में कोरोना की वैक्सीन लगवाई, जिसके चलते करीब 200 से अधिक लोगों को कोरोना की वैक्सीन एक दिन में एक जगह लगने का कार्य कानपुर देहात में हो सका। साथ ही कोरोना की वैक्सीन लगवाने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों से किसी भ्रम से दूर रहकर वैक्सीन लगवाने की अपील भी की है। कोरोना को हराने का एकमात्र हथियार कोरोना वैक्सीन को बताया गया है। वहीं स्वास्थ्य टीम के प्रभारी और सीएससी अकबरपुर के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आईएच खान ने भी विधायिका प्रतिभा शुक्ला और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी के कार्यों की जमकर तारीफ की है और एक दिन में एक कैंप में 200 से अधिक लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगने को लेकर धन्यवाद भी दिया है। साथ ही जनता से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की है। आज आपने वो भी कैंप लगाया, किस तरह का कार्यक्रम रखा गया और साथ ही आपने आज वैक्सीनेशन का भी कार्यक्रम किया, क्या क्या कहेंगे आप? ये उत्तर हमारी विधानसभा अकबरपुर रनिया में ये 12 गांव हैं जहां पर मुस्लिम माहौल है और दलित समाज के लोग ज्यादा हैं, लेकिन मुस्लिम समाज के लोग ज्यादा हैं तो एक संदेश ये देना चाह रहे थे यहां पर कि हमारी जो भारतीय गंगा जमुनी संस्कृति है तो संस्कृति के तहत हम सभी लोग एक भाईचारा इंसानियत के रिश्ते की डोर से बंधे हैं और हमारी सरकार मोदी जी के लिए सभी लोग बराबर हैं। तो इसलिए हम लोगों ने इन लोगों को प्रोत्साहित किया कि आपका स्वास्थ्य ही हमारी खुशी है, तो इसलिए सारे लोगों को प्रेरित करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए कि आप भी वैक्सीन लगवाएं और स्वस्थ रहें, क्योंकि कोरोना से एक मात्र यही बचाव ही, वैक्सीन लगवाएंगे तभी हम बच पाएंगे और मास्क लगाएंगे, उचित दूरी का पालन करेंगे जिसके तहत ही हम बच पाएंगे, क्योंकि इसके लिए अभी कोई ऐसी दवा इजाद नहीं हुई है जिससे सीधा सीधा इसका समाधान हो सके। तो यहाँ पर लोग वारसी ने इसका वक्तव्य दिया जा के गली गली में और मौलाना साहब ने भी अपना वक्तव्य दिया, डॉक्टर खान ने भी पूरी तरह से आग कैंप लगाकर चार पांच पूरी टीम स्वास्थ्य विभाग की आई और पूरी तत्परता के साथ काम किया गया, लोग निकल कर भी आए। साथ ही किसान सम्मान निधि जिन लोगों का नहीं आ रहा था उन लोगों के लिए भी ये कैंप लगाया गया, वहाँ के लोग आए और अपना अपना कार्ड दिया कि किस कारण से किसान सम्मान निधि रुक रही है। एक और बात की यहाँ के सेक्रेटरी ने ये भी किया कि जो छोटे व्यापारी हैं 1,000 रुपये उनके खाते में आना था तो उन लोगों के भी फॉर्म लिए गए कि आपका व्यापार रुका हुआ तो उसको बढ़ाने के लिए जो सरकार का प्रयास है कि 1,000 खाते में आएंगे उसके तहत भी फार्म इकट्ठा किए गए, जिससे 20-25 फार्म और इकट्ठे हो गए हैं। देखिए ये आज तीसरा दिन है कैंप का और मैं ये देख रहा हूँ कि हमने पहले भी इस गांव में देखा था कि जब वैक्सीनेशन की बात आती थी लोग घरों में घुस जाते थे, हमारी जब टीम आती थी यहाँ पे दूसरे चेक करने के लिए तो भी लोग घरों में घुस जाते थे, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि हमारी विधायिका मैडम प्रतिभा शुक्ला जी के प्रयासों से यहाँ पे लोगों के अंदर एक खास उत्साह देखा जा रहा है और बड़ी संख्या में जो शायद देखा जा सकता है यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग जो है वैक्सीनेशन के लिए उमड़ आए हैं। मैं सोचता हूँ कि अभी बारिश हो गई थी तो थोड़ा सा लोग चले गए, वरना यहाँ पे बहुत बड़ा तंबू लगा हुआ था, एक भारी भरकम भीड़ थी यहाँ पे और मतलब बड़ा लोगों के अंदर उत्साह है जो कभी इस गाँव में देखने को नहीं मिला।
तो ये हमारे जो है विधायिका मैडम का ही बहुत बड़ा प्रयास है और साथ साथ मतलब जो है हमारे जो बीडीओ साहब मनरेगा मतलब जो है वो बीडीओ साहब का भी मतलब जो है यहाँ के जो जेपी क्या नाम है जितेंद्र सिंह जी जो है जो सेक्रेटरी साहब है इनकी अथक मेहनत है सारे और गांव के जो बहुत सारे मतलब जो लोग हैं डॉक्टर्स हैं जो मतलब यहाँ के समाज से भी लोग हैं सारे लोगों की वजह से जो है प्रधान जी खास तरीके से मैं उनका भी मतलब इनपे धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बेहद मेहनत की। मैं जिस दिन से आ रहा हूँ लगातार जो है वो लगे हुए हैं, मेरी टीम जो है भी लगातार दिन रात जो है काम कर रही है यहाँ पे सारे लोगों के सहयोग से यहाँ पे करीबन आज भी करीबन 250 वैक्सीनेशन हुआ, लगातार 100 वैक्सीनेशन हो रहा है। मैं सारे लोगों का जो है धन्यवाद प्रकट करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि अभी यहाँ के लोग जिस तरीके के साथ देखा जा रहा तो अभी हमें लगता है कि एक हफ्ते तक और कैंप लगाना पड़ेगा, यहाँ पे लोग जो है उमड़ उमड़ के आ रहे हैं। इसमें हमारे जो माननीय विधायिका जी हमारे अनिल शुक्ला वारसी जी का बहुत बहुत जो है मैं धन्यवाद और जो है सेक्रेटरी साहब का प्रधान जी का सबका अदा करना चाहता हूँ, खास ग्रामवासियों का भी। क्या कहेंगे? देखिए हमारा गांव जो है मुस्लिम बाहुल गांव है तो यहाँ पे पहले बहुत अफवाह थी कि ये जो टीका लगेगा तो इसमें जो है आदमी को नुकसान हो जाएगा, किसी को बीमारी हो जाएगी, बुखार हो जाएगा। तो आज हमारे जो है वो विधायिका जी प्रतिभा शुक्ला जी और माननीय अनिल शुक्ला जी जो है वो पूर्व सांसद आए और मुस्लिम समाज के खास तौर पे लोगों को मौलानाओं को उनको अच्छे ढंग से समझाया और काफ़ी अच्छा जो है वो रिस्पांस मिला। मुस्लिम समाज ने जो है खुल के जो है टीकाकरण करवाया। इस तरह का मैसेज देना चाहिए, हम ये कहना चाहेंगे कि इससे लोगों को लाभ है और अगर कोरोना से बचना है तो टीकाकरण जरूर करवाइए। कत्ल अल मुदी कबल अलीदा, मुस्लिम समाज में कुरान में बात आई है कि अपने को नुकसान पहले पहुंचाने से पहले उसको समाप्त कर दो। कत्ल अल मुदी कबल अलीदा, इसका अर्थ ये होता है कि अगर कोई मुदी चीज़ है आपका जान का घातक है तो उसको पहले समाप्त करो। तो चूंकि ये वायरस है ये हमारी जान का घातक है इसलिए इसको पहले समाप्त करने की हमको व्यवस्था करनी चाहिए और प्रतिभा शुक्ला जी और माननीय अनिल शुक्ला साहब ने जो है यहाँ आके लोगों को बहुत प्रोत्साहन दिया, गली गली घूमे भी और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। दादा आज आपने वैक्सीन लगवाई है, किस तरह का मैसेज देंगे और कैसा मैसेज? अच्छा लग रहा है, कोई फर्क नहीं है ये और सभी को लगवाना चाहिए ज़्यादातर और जो मोदी जी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, सबको वैक्सीन लगवा रहे हैं जो भी कर रहे हैं घर घर जाके। क्या मैसेज है लोगों से, आप क्या कहना चाहते हैं? लोगों तो हम ये कहेंगे भाई लोग चल के लगवाओ, अच्छा लग रहा है, सभी से कहेंगे लगवाओ, अपनी सब सेफ्टी रहेगी, ये कोरोना से दूरी रखने का यही एक चारा है बीमारी से बचने का। सांसद जी आज आप गली गली जाके आपने अनाउंस किया मौलाना जी के साथ में, किस तरह का संदेश दे रहे हो? देखिए हमारे विधानसभा का अकबरपुर रनिया कानपुर देहात का 12 जो गांव है ये मुस्लिम बाहुल गांव है, तो अभी तक ये भ्रांतियाँ थी लोगों में कि मुस्लिम समाज सहित ये वैक्सीन नहीं लगवाना चाहता है, लेकिन आज सारी भ्रांतियाँ टूट गई। बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग यहाँ से निकले, हम लोगों ने उनसे अपील किया ये जो है वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है, कोरोना से यही बचाव कर सकती है क्योंकि तीसरी लहर आना बिल्कुल तय है जैसा वैज्ञानिक लोग बता रहे हैं, तो आप लोग वैक्सीन लगा करके सुरक्षित हो जाइए। ये योगी जी और मोदी जी चाहते हैं कि हमारे देश का हर व्यक्ति जो है वैक्सीन लगवावे, वो चाहे किसी जात धर्म का हो। लोगों ने इस अपील को माना, हमारे साथ में माननीय विधायक जी ने भी अपील किया, मौलाना साहब ने भी अपील किया, अपील को मान करके लोग घरों से निकले और 250-300 से ऊपर का वैक्सीनेशन आज हुआ है जो एक खुशी की बात है। बाकी सारे लोग भी तैयार हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, थोड़ा मौसम का मिजाज बदल गया, बरसात होने लगी जिसके वजह से थोड़ा सा दिक्कत पैदा हुई, लेकिन अभी भी वैक्सीनेशन का काम चल रहा है और इसी तरीके से हम लोग गांव-गांव जा करके लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको वैक्सीन के बारे में बता रहे हैं, पर्चे बांट करके और लाउड स्पीकर लेकर के लोगों को मुनादी करके
वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और जब से हम लोगों ने घूमना शुरू किया है हर सेंटर पे वैक्सीनेशन बढ़ा है। जहां कभी 10-20 वैक्सीनेशन होते थे वहां अब जो है 70-80-100 तक वैक्सीनेशन एक गांव में हो जा रहे हैं। इसके अलावा भी और अन्य कार्यक्रम हुए क्या? इनके अलावा और कार्यक्रम हमारे जो जिन किसानों का जो सम्मान निधि नहीं आ रही थी, तो हमारे कृषि विभाग के अधिकारी भी यहाँ मौजूद है, समाज कल्याण के अधिकारी मौजूद है, उन्होंने उनकी समस्याओं को सुना और निराकरण करने का काम किया है।